तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। इकोनॉमी की 2 मिनट सीरीज में आज डिस्कस करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, नाम है एटीएम्स। लास्ट ईयर भी इस पर एक प्री का सवाल था एंड इंसिडेंटली कवर्ड था। तो आइए, अगर आप 19 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जाने एटीएम्स के बारे में। सबसे पहले, एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो आपको कैश डिस्पेंस करने और बाकी कुछ फाइनेंशियल जो सर्विसेज अवेल कराने के लिए, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी, जैसे आप एटीएम में जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं एक्सेट्रा, तो उसमें भी मदद करती है, कंप्यूटराइज मशीन होती है। ऑल राइट, देन नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये क्या चीज़ है? ये लार्जेस्ट एक नेटवर्क है हमारे देश में, जो कि एटीएम्स को जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है। और इसको IDRBDT, ठीक है, इस पर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया 2004 में। अभी इसको कौन रन करता है, जो आपको जो क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर, NPCI, ठीक है। NPCI हमारे देश की मेजरली पेमेंट्स हैंडल करता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोस्तों, भारत का पहला ATM अगर हम जाने, 1987 में HSBC ने मुंबई में लगाया था। बाकी वाइट लेबल ATMs क्या होते हैं, ये जान लीजिए। ये वो ATMs हैं जो कि नॉन बैंक कंपनी चला रही हैं, जो कि बैंकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ATMs के उनको लाइसेंस मिले रन करने के लिए। कौन से एक्ट से चलती हैं ये? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है RBI का, जो RBI द्वारा गवर्न्ड है। तो उससे ये हमारी नॉन बैंक ATM कंपनीज अपना वाइट लेबल ATM चलाती हैं, जो कि सारी ATM वाली सुविधाएं देती हैं, बस जस्ट वो खुद बैंक नहीं है, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा अगर आप कस्टमर हैं ATM और एक WLA जो वाइट लेबल ATM चलाने में, कोई फर्क रहेगा? जी सर, ऐसा कोई फर्क नहीं रहेगा। कस्टमर के लिए दोनों बिल्कुल सेम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। देन सर्विसेज वगैरह क्या क्या अवेलेबल हैं ATMs पे या वाइट लेबल ATMs पे? सर, आपको ये आपसे जैसे UPSC पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी सर्विस आप ATM में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कैश का डिपॉजिट बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर बनता जा रहा है, बिल पेमेंट हो सकती है एंड वाउचर्स को रीलोड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि ये परमिटेड नहीं है वाइट लेबल ATMs में, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल कनेक्शन वगैरह रिचार्ज होते हैं, लेकिन वाइट लेबल ATMs में से नहीं हो पाता, जो मिनी स्टेटमेंट वगैरह, पिन चेंज, चेकबुक की रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड देन जो अब हमारे जो कार्ड हैं जो इशू होते हैं, भारत में कहीं भी लागू हो, जो चला सकते हैं उसको, जी सर कहीं भी चला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑनर्स ऑफर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑनर्स ऑफर्स हमारे एक हमने जो एक प्रीमिक्स में डिस्कस किया था। ऑनर्स क्या होती है, जो ट्रांजैक्शन जो हमको जो एग्जाम में पूछा जाए, ऑन अस इज जिस बैंक का आपके पास कार्ड है उसी बैंक के ATM पर अगर आप जाकर जो ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऑनर्स जिस बैंक का ATM कार्ड है लेकिन उस बैंक के सिवा किसी और बैंक पे करते हो या WLA पे, वाइट लेबल पे करते हो, तो ऑफर्स कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल भी है, ठीक है दोस्तों। और फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं ATMs में? जी सर, देख लेते हैं एक बार। जो ऑनर्स मतलब जिस बैंक का कार्ड उसी के बैंक के ATM पे करें, तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है ये। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर देखें कि लोकेशन से इररिस्पेक्टिव है ये, आप मेट्रो में हैं, नॉन मेट्रो में, ऑनर्स 5 ट्रांजैक्शंस हमें फ्री मिलती हैं। देन अगर हम ऑफर्स की बात करें, तो मेट्रो में 3 हैं एंड ऑफर्स नॉन मेट्रो में कितनी हैं? 5, ठीक है। तो ये बात ध्यान दें, मेट्रो जो ये रहे शहर आपके मेट्रो, ठीक है, ये मेट्रो शहर हैं आपके जो सामने लिखे हुए हैं। तो अगर हमें और चाहिए तो बैंक की डिस्क्रिशन है, वो हमें और भी दे सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, कि जो फ्री ट्रांजैक्शंस हैं इसमें जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपने ATM में जाके अपना बैलेंस वगैरह चेक किया एक्सेट्रा, तो वो सब इसमें शामिल है। तो आगे देखते हैं, इसमें हमारी एक दो बातें और हैं, जैसे हमारे पास बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, जो जिसको नो फ्रिल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसमें कई बार चेकबुक भी नहीं मिलती, बिल्कुल सिंपल से अकाउंट्स होते हैं, उसमें ATM देना क्या मैंडेटरी है? उसमें ATM देना कोई मैंडेटरी नहीं है, वो बैंक की डिस्क्रिप्शन पर आ जाएगा। RBI ने इसको अलाउ किया कि आप उसको बिना ATM के भी जो अकाउंट खोल सकते हैं। देन उसके बाद मेट्रो नॉन मेट्रो में मुझे कैसे फ़र्क पड़ेगा अगर मेरे को लिस्ट नहीं याद, तो बैंक को ये मैंडेटरी किया गया है, ATM पर आपको बताना है कि स्टिकर पोस्टर लगाकर कि ये आपका मेट्रो या नॉन मेट्रो लोकेशन है। देन उसके बाद यहाँ पर कि अगर जो कस्टमर्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं हम जो फ्री ट्रांजैक्शंस के बियॉन्ड, RBI ने कहा आपकी मर्ज़ी है, हम अलाउ करते हैं कि इतनी तो, लेकिन आपने मिनिमम फ्री देनी है, उसके बियॉन्ड आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 20 रुपये ट्रांजैक्शन से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। 20 रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। अब उसके बाद हमने एक और जो चीज़ डिस्कस की थी, वो थी अबाउट EMV चिप एंड पिन कार्ड्स। ये जैसे अभी जो मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले जो कार्ड्स थे, RBI ने कहा कि अब इन कार्ड्स को हटाया जाए, एंड अभी जो
हमारे पास कौन से हमें कार्ड चाहिए, हमें चिप कार्ड चाहिए, ईएमवी जो चिप कार्ड्स हैं और पिन कार्ड, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था और प्रीमिक्स में। एंड ये क्योंकि ये ज़्यादा सेफ माने गए, दे आर मोर सेफर, दे आर कंसिडर्ड सेफर एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स। एंड इसकी डेडलाइन भी रखी गई थी 31 दिसंबर 2018, जिससे पहले सारे के सारे हमें जो प्रीवियस मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड थे इनको हमने रिप्लेस करना था ईएमवी चिप एंड पिन कार्ड से। ठीक है दोस्तों, तो ये बस एक छोटा सा एटीएम आपको जो एक सिंपल सा लेक्चर एटीएम के कंसोलिडेशन पर। सिमिलरली हम बहुत सारी कंसोलिडेशन कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में भी, जहां पर हम आपको जो टेस्ट के माध्यम से और क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बहुत ही जो कम अमाउंट में बहुत सारा कंटेंट देने की तैयारी कर रहे हैं। लेक्चर सुनते रहिए, नोट्स वहाँ पे जो आपके पीडीएफ लगे हुए हैं उनको मार्क करते रहिए, और 50-52 दिन हैं तो इत्मीनान से अच्छे लेवल पर 10-12 घंटे भी रोज़ लगाएं, बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो ये तो पढ़िए, और भी चीज़ें आपके पास हैं वो भी पढ़िए, ठीक है, रिवाइज़ कीजिए, अच्छा अटैम्प्ट दीजिए, एंड मेंस की तैयारी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।